140 करोड़ का जनता बोल दिया पनौती पनौती पनौती। मोदी जी कहते हमको 5 महीना दे दो, फिर कहते 100 दिन दे दो, फिर कहते 60 महीना दे दो। अरे भैया अब 120 महीने होने को हैं, लेकिन आपके वादे जो कहते हैं वहीं पे हैं। ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलने में इन लोगों को जो है PhD हासिल है, और इसी कारण देश की जनता जो है अब धीरे धीरे नकारना शुरू कर दी। मोदी का गारंटी लोगों को समझ में आ गया कि बेरोजगारी है, धोखा है, झूठ है। अरे कलाकार बदलना पड़ता है, नेता बदलना पड़ता है, नीति बदलना पड़ता है, नियत बदलना पड़ता है। मोदी जी का जो गुब्बारा था ना वो फट गया है। कि जब तुम्हारा मध्य प्रदेश में तुम्हारा सरकार था, जब तुम्हारा दूसरे प्रदेशों में जब तुम्हारा सरकार था, तो वहां तुमने गैस का सिलेंडर क्यों नहीं पैसा कम किया? जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में दे दिया तब 450 कर दिए। अरे जहाँ था वहाँ कर लेते ना। अब 5 राज्यों में भाजपा 10-20 सालों के लिए साफ हो गई। जिस तरह से देश के अंदर गरीबी महंगाई से लोग परेशान थे, और मोदी जी के जो नीतियाँ हैं अमीरों के प्रति जो उनका समर्पण दिखता था, उससे आम जनमानस जो है कहीं ना कहीं परेशान था, और ये 5 राज्यों में इसके कहीं ना कहीं ये रिजल्ट दिख रहे हैं। जहाँ तक बात तेलंगाना को लेकर के स्पेशली हम कहें, तेलंगाना में जिस तरह से मोदी जी और मोदी जी की पूरी टीम BRS को कहीं ना कहीं जो चुनाव जिताने के लिए लगी हुई थी, वहाँ ED CBI भी काम नहीं कर पाई, और उनके पन्ना प्रमुख के तौर पे जो ED CBI काम कर रही थी, सबको दिखेगा 3 तारीख को कि कैसे वहाँ अपार जन समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। हमारा जो भारत जोड़ो यात्रा का जो कहीं ना कहीं निहितार्थ था, जिस तरह से हमने सड़कों पे संघर्ष किया था हमारे कार्यकर्ताओं ने राहुल जी के नेतृत्व में, उनका कहीं ना कहीं भरोसा हमने जीता है। हम लोगों ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान की यदि बात कर लें, हमारी सरकार थी और सरकार रहते यदि हमें इतना अपार समर्थन मिल रहा है, तो समझिए हमारी वैधानिकता, हमारे मुख्यमंत्रियों का काम, प्रदेश का नीतियाँ और कार्यकर्ताओं का मनोबल, और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की कर्तव्य निष्ठा जो है काम आई है, और केंद्रीय नेतृत्व का जो कौशल है, रणनीति है, वो रणनीति काम आया है। कहीं कोई मामला फंस नहीं रहा है। ये वो लोग दिखा रहे हैं जो सटोरियों के कहीं ना कहीं चंगुल में है, और ये 3 तारीख को जनता का आशीर्वाद मिलेगा कांग्रेस पार्टी को, और 5 राज्यों से भाजपा का सफाया होगा। ये शुरुआत है। 2024 में आप देखिएगा ये जिस तरह के ये रिजल्ट है, ये 2024 के लिए बड़े मायने रखते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कक्ष से कोहिमा तक जो है कांग्रेस पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, जन आशीर्वाद के बल पर, और अपने नीतियों के बल पर, नेता जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी, उनकी सदिच्छा और सच्चाई के बल पर हम जो है देश में भी 2024 में मोदी सरकार को हटाने में, जहाँ जहाँ वह प्रचार में जाते हैं वहीं पनौती लग जाती है। कर्नाटका गए, भारी हंगामा किया, क्या हुआ? हिमाचल गए, क्या हुआ? अभी इन 5 राज्यों में जहाँ जहाँ उन्होंने, वो तो खुद ही चेहरा थे, लेकिन उस चेहरे को लोगों ने नकारा है। भाजपा के नीतियों से घनघोर निराशा देश के अंदर है, और इसका नतीजा 2024 में भी, ये पनौती 2024 में भी भाजपा को लगेगी। शायद मैं कहता हूँ कि राज्यों के नेतृत्व को उन्होंने यदि अहमियत दी होती, राज्यों में कोई नेता होता, सब जगह तो मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, तो मोदी जी आज के डेट में जो काम करते हैं उनके साथ पनौती लगती है। राज्यों में हुआ होता तो शायद भाजपा को कुछ एज मिल जाती और वहाँ के स्थानीय लीडरशिप की। हाँ, एक बात जरूर है, ये भाजपा की हार को जरूर देखिएगा। कल से मीडिया जो है गाजे बाजे के साथ नड्डा की हार बताएगा, किसी स्थानीय नेताओं की हार बताएगा। लुटेरों के साथ वो खुद खड़े थे, BSR सबसे बड़ा लुटेरा तेलंगाना में, उसके साथ उन लगातार उनका सहयोग किया इन्होंने बी टीम की तरह, और ED CBI का एक चपरासी उसके घर नहीं गया। आपने देखा है मध्य प्रदेश में कितने बड़े लुटेरों की वहाँ पे शासन जो है सत्ता को ही लूटने वाले थे, लिया जिन लोगों ने, जनता के बहुमत को भी लूटने का काम जिन लोगों ने किया, उनके साथ मोदी जी खड़ा है। तो ये तो कहना ही बेकार है, सबसे बड़े लुटेरों के साथ जो देश को लूटने वाले लोग हैं, मित्रों के साथ वो खड़े रहते हैं, और ये भी जनता देखी है। और ये जो 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, ये भी देखेगी कि मित्रों के साथ ये देश नहीं है, ये देश इस देश के आम जनमानस, गरीब मजदूर, किसान, नौजवान, युवा, जो है महिला, और कहीं ना कहीं आदिवासी पिछड़ों के साथ। मोदी जी का जो गुब्बारा था ना वो फट गया है, और अब और जो है ढोल जो पीटने वाले लोग हैं उनकी भी आवाज़ बदल गई है। आप देखिएगा 3 तारीख के बाद से आवाज़ कैसे बदलेगी। जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा है, भाजपा का सफाया मध्य प्रदेश से भी, छत्तीसगढ़ से भी, राजस्थान से, तेलंगाना से भी है, और मिजोरम में तो उनकी सरकार ही खत्म हो गई, उनसे मंच शेयर करने को तैयार नहीं थी मिजो नेशनल फ्रंट, जिसके साथ सरकार बनाया, देखा है आपने, और शायद उसके कारण कुछ ऊपर नीचे हो जाए मिजोरम में, तो क्योंकि मंच साझा नहीं किया पनौती साहब से, सारा क्रेज खत्म हो गया। भाजपा ही जो बेचारे फील्ड में लड़ भी रहे होंगे आज वो भी पछता रहे होंगे कि क्यों नहीं हमने स्थानीय लीडरशिप को आगे बढ़ाया, और क्यों नहीं हम यहाँ से जो है ऐसे लोगों को आने से रोका। यदि रोक लिया होता, एक्चुअली है क्या बोलना, जुमला डालना, झूठ बोलना, माहौल फैलाना, प्रोपेगेंडा करना, साजिश करना, षड्यंत्र करना,
अब लोग समझ चुके हैं भाजपा के इस महाप्रभु को। ये महाप्रभु जो हैं, ये जहाँ जहाँ आप जाएंगे इसी तरह पनौती लगेगी। जो जो इन्होंने चीज़ें स्थापित की थी, झूठ और नफरत का जो माहौल बनाने का काम किया था, आम जनमानस को चिरंजीवी योजना चाहिए, आम जनमानस को स्कूल अस्पताल चाहिए, आम जनमानस को जो है 500 रुपए के अंदर सिलेंडर चाहिए, महंगाई से लोग की कमर टूट गई है, बेरोजगारी से लोग त्रस्त हैं, ये भाजपा की नीतियों के कारण हुआ है। पेट्रोल डीजल से लोग परेशान हैं, खाने का तेल, चलने का तेल, पूरा देश देख रहा है कैसा विकास किया, पेट्रोल डीजल कहाँ है, रुपया कहाँ है, काला धन कैसे आ गया, कहाँ है जो है स्मार्ट सिटी, कहाँ है बुलेट ट्रेन। ये झूठे लोग हैं, झूठ बोलने में इन लोगों को जो है PhD हासिल है, और इसी कारण देश की जनता जो है अब धीरे धीरे नकारना शुरू कर दी। देश की जनता इनकी असलियत को पहचान ली है और 2024 में भी यही रिजल्ट होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी RSS के लोग जिस तरह एक आदमी को, केवल एक आदमी का एजेंडा बता रहे थे, एक आदमी का चेहरा बता रहे थे, वो सब ध्वस्त हो गया इस पूरे 5 इलेक्शन में। उसका कारण देखिए ना वो क्या कह रहे थे। वो दूसरे ने इतना उनमें हताशा थी कि वो बार बार विपक्ष के नेताओं को कभी कुछ कह दे रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे, जबकि वो खुद ही पनौती कहला गए। इतना मेहनत किया किसी एक नेता के बारे में कुछ कहने के लिए, वो पूरा देश 140 करोड़ का जनता बोल दिया पनौती पनौती पनौती। बताइए ना क्या किया जाए। इस पूरे इलेक्शन में वो चले गए कहाँ घूमने, मध्य प्रदेश गए, मध्य प्रदेश में गए, वहाँ पर जहाँ जहाँ गए वहाँ कहीं पर महिलाओं का, लड़कियों का बलात्कार हो जा रहा है, कहीं पर कोई पैसा लुटा दिया जा रहा है, किसी युवाओं का नौकरी चला जा रहा है। मतलब ये हाल हो गया कि भारतीय जनता पार्टी और RSS, मोदी, धोखा, जुमला और जितने तरह के अब सब जितने भी डिक्शनरी में गलत शब्द हैं वो सारे नामकरण इस भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए नामकरण इस इलेक्शन में हो गया। यही अचीवमेंट RSS का और यही अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी का रहा। मोदी का गारंटी लोगों को समझ में आ गया कि बेरोजगारी है, उसका 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 जो गारंटी धोखा है, झूठ है, यही था। और लोगों को ये भी बात समझ में आई, ये भी समझ में आई कि जब तुम्हारा मध्य प्रदेश में तुम्हारा सरकार था, जब तुम्हारा दूसरे प्रदेशों में जब तुम्हारा सरकार था, तो वहाँ तुमने गैस का सिलेंडर क्यों नहीं पैसा कम किया, जब कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में दे दिया तब तुम 450 कर दिए, अरे जहाँ था वहाँ कर लेते ना, वहाँ क्यों नहीं किए। तो लोग बड़े होशियार थे और इस मदारी को इस 5 स्टेट में तो उठाकर फेंकेंगे ही, 2024 के इलेक्शन में 50 से कम सीटों पर लाकर इनको छोड़ेंगे। वो कहती कि मैं बेटा हूँ, वो बोलते हैं कि मैं बैकवर्ड नहीं हूँ, तो कभी OBC की बात करते हैं, वो जितनी बातें बोलते गए कांग्रेस का ग्राफ उतना तेजी से बढ़ता गया, और जितना कांग्रेस का एग्रेसिव कैंपेन होता गया मोदी के बुखार छूटने लगे, उनके नींद उड़ गए, जिनके कारण बौखलाहट में वो जितने भी खराब शब्द हैं इस डिक्शनरी में विपक्ष के लिए यूज़ करते रहे, जिसका फायदा कांग्रेस को लगातार हर दिन के कैंपेन में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता रहा। मैं तो तेलंगाना में था, तेलंगाना में लोगों ने कहा कि देखो 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 आ गया, देखो 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 धोखेबाज आ गया, देखो 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 तू जुमलाबाज आ गया, देखो देखो झूठ बोलने वाला आ गया। बोला था कि नौकरी देंगे, नौकरी नहीं दिया। बोला कि हर लोग को पैसा देंगे, पैसा नहीं दिया। बोला हर गरीब को घर देंगे, घर नहीं दिया। और तो और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सारे लोगों के घर में ED CBI भेजवा रहा था, और जिससे कि पार्लियामेंट में अध्यादेश पर सपोर्ट लिया उसके घर में नहीं भेजवाया। और इनके दोहरे चरित्र को देखिए, इसके दोहरे चरित्र को आप देखिए कि ये क्या कर रहे थे कि वहाँ पर अध्यादेश में कॉन्फिडेंस भोसन ले लिए और वहीं तेलंगाना में जाकर उसी को गाली दे रहे हैं। पूरे तेलंगाना में यही खबर था कि यही MIM वाला है, यही MIM वाला है कि सेकुलर वोटों को हराने के लिए, सेकुलर वोटों को छीनने के लिए ये हर जगह प्रदेश में 40, 50, 60 सीट पर लड़ाता था। क्या हो गया तेलंगाना में भाई, तुम अपने कौम के लिए लड़ते थे, तुम अपने कौम की बात करते थे, क्या हो गया तुम यहाँ पर 8-9 सीट पर क्यों लड़े। सारे लोग यही चर्चा का विषय था, सारा चर्चा का विषय था कि चिरंजीवी योजना जो राजस्थान में चल रहा था उसका फायदा तेलंगाना में भी हो, उसका फायदा मध्य प्रदेश में भी हो। कांग्रेस के कमिटमेंट, कांग्रेस के बाकी स्टेट में जो जैसे कर्नाटक में, हिमाचल में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना बहुमत से लाकर, मेजोरिटी लाकर सरकार बनाई है, उसके बाद जो पहले ही कैबिनेट में जो उन्होंने सारे वादों को पास किया है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज था और ये मैसेज पांचों स्टेट में काम आया। और राहुल गांधी के इस कमिटमेंट को, प्रियंका गांधी के उस कमिटमेंट को, और
सोनिया जी का वो कमिट बात जो कि सोनिया अम्मा जो तेलंगाना का मैं बात कर रहा हूँ वहाँ लोग हाथों पर लेकर कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी के उन विचारों को लेकर रखा कि ये यही एक पार्टी है जो दलित को महिलाओं को युवाओं को और अमीर गरीब के खाई को कम करेगा। जंतर मंतर पर बहनों को जो है सो बाल खिंचवा कर जो है सो उसको बेइज्जत करने का काम किए थे ना, यही तो काम है ना, बहन है तो आप देखिए ना उज्जैन में वहाँ पर रेप हो गया कुछ, अभी उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश में एक ओबीसी के आदमी के मुंह पर पिशाब कर दिया, वही विजय वर्गीय, देखिए ना कैसे भाई बहन की बात करते हैं। विजय वर्गीय जो है जो महिलाओं को औरतों को सूर्पनखा कहा उसको टिकट दे दिया, बताइए तो कौन बहनों का आप इज्जत करते हैं भाई, कैसा इज्जत। मध्य प्रदेश में जाके उनके चीफ मिनिस्टर का नाम लेने में इनको डर लगता था, इतना डर लगता था कि बताइए जो चीफ मिनिस्टर 18 साल से है 15 साल से है जिसका महिमा मंडी ताप कर रहे थे, आप उस नाम लेने में क्यों डर लग रहा था मोदी जी। तो अंत में राजस्थान भी वो हारेंगे, मध्य प्रदेश भी हारेंगे, तेलंगाना भी हारेंगे और छत्तीसगढ़ भी हारेंगे। कांग्रेस की लहर इस चार प्रदेश पांच प्रदेश में ही, पांचों मिजोरम में भी किसकी आ रहा है, मिजोरम में तो जो सरकार को मदद कर रहे थे के साथ थे उनका तो स्थिति खराब आया ना, तो आप तो देखें ना, तो पांचों स्टेट में जो इस सरकार के नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम कर रहे थे उनकी जीत होगी और उनका ही लहर बढ़ेगा, उन्हीं का वोट बढ़ेगा, उन्हीं का सब कुछ बढ़ेगा और इस झूठे मक्कार पार्टी और नेता के लोगों के विरोध में वोट हुआ है जिसके कारण पांचों प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूरा सबक ही सिखा दी और इसको अगले बार से मोदी को सोचना पड़ेगा कि हम करें कि नहीं करें कैंपेनिंग, क्योंकि उधर कर्नाटक गए उधर हार गए, हिमाचल हार गए, इस पांचों स्टेट में भी इनका सफाया, पूरा पनौती लग गई लेकिन कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो गई। मोदी मैजिक नाम की कोई चीज नहीं है, देखिए पोस्टर से फिल्में नहीं चला करती, वो 80s का और 70s का टाइम चला गया कि जब धर्मेंद्र का पोस्टर लगा के अमिताभ बच्चन का पोस्टर लगा के लोग कहते थे क्या सीन है इस पोस्टर में और जाके फिल्में देख रहते थे, वो फिल्में हिट हो जाती थी। आज वही हो रहा है देश में, मोदी जी का सिर्फ और सिर्फ पोस्टर दिखाया जा रहा है पिछले 10 सालों में। मोदी जी एयरपोर्ट से उतरते हैं लोग कहते हैं मोदी जी का भव्य स्वागत, अरे मोदी जी जाके जनता को देखिए ना, एयरपोर्ट पे जाने लायक है, हवाई जहाज पे बैठने लायक है, महंगाई आपने इतनी कर दी है कि देश का गरीब आदमी अब हवाई चप्पल कहते थे पहनने वाला, यहाँ तो हवाई छोड़िए ट्रेन में सफर नहीं कर पाता, आप रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म पे एंट्री नहीं कर पाते हैं, इतना महंगा हर जगह कर दिया। देश का कौन पनौती है जनता समझती है, भाजपा में कौन पनौती है जनता समझती है और उस पनौती से देश को छुटकारा मिलने का पहला कदम होगा। इन चार राज्यों में कांग्रेस की विजय गाथा से शुरुआत होगी। जनता तो कह रही कि भाई पनौती पनौती देखो देखो पनौती आया, पनौती भगाओ, तो कोई अपने घर में अशगुन अशुभ नहीं चाहता, बदनसीब वाला नहीं चाहता। एक व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री बना था पहले बनते क्या बोला था, मैं तो नसीब वाला हूँ, मेरे नसीब देखो कि डीजल पेट्रोल की कीमत पूरी दुनिया में नीचे कम हो रहे हैं। तो जनता को नसीब मिला क्या, उस जनता को फ़ायदा मिला क्या आपके नसीब का, आपके नसीब का फ़ायदा तो एक व्यक्ति को मिला जो 500 की लिस्ट में आता था, टॉप 2 में आ गया था, पूरी दुनिया में मिल गया। तो पनौती कौन है देश के लिए, आप किसके लिए नसीब वाले हो, तो देश की जनता ने समझ। पोस्टर की राजनीति, जनता कब तक देखेगी भैया एक ही पोस्टर एक ही चेहरा, अरे कलाकार बदलना पड़ता है, नेता बदलना पड़ता है, नीति बदलना पड़ता है, नियत बदलना पड़ता है। जनता को लगा यार ये तो वही व्यक्ति है जिसको हम चुन के आ रहे हैं, हर बार कहते हैं पकौड़े तलो, हर बार कहते हैं चाय बनाओ, हर बार कहते हैं गैस कम कर देंगे, यहाँ वहाँ महंगा कर देते, तो करोगे कब। मोदी जी कहते हैं हमको 5 महीना दे दो, फिर कहते 100 दिन दे दो, फिर कहते 60 महीना दे दो, अरे भैया अब 120 महीने होने को हैं लेकिन आपके वादे ज्यों के त्यों वहीं पे हैं। तो जनता कह रही भैया इसको हटाओ, इससे तो बढ़िया हमारी कांग्रेस पार्टी थी जिन्होंने हमें 70 सालों में आत्मनिर्भर बनाया, स्वावलंबी बनाया, इस देश में HL से लेके बेल से लेके गेल तक सब कांग्रेस ने बनाया। कहते हैं ना कि दिन मोदी जी जादूगर हैं, बोलने में जादू है, सबसे अच्छा बोलते हैं आप तो सबको पता है आज के टाइम पे। तो अब क्या है ना कि आप गंजे को कंघी बेच सकते हैं, मोदी जी बेच सकते हो गंजे को कंघी, लेकिन बार बार आप उसको यकीन नहीं दिला सकते, एक ही बार बेच सकते हैं गंजे को कंघी, भाई कंघा करोगे बाल आएगा। तो मोदी जी का सारा मसाला निकल चुका है, सारा का सारा मसाला खत्म हो चुका है, नींबू निचोड़ चुका है, रस बह चुका है और अब वो छिलका टोकरे दान में जाने वाले कचड़े दान में। तो भाजपा रूपी कचड़ा
पनौती रूपी भाजपा अब कचड़े के दान में जाने वाली है। अब 5 राज्यों में भाजपा 10-20 सालों के लिए साफ हो गई, कहाँ पड़े चक्कर में। अब मैं हर चुनाव को फाइनल समझता हूँ, हर चुनाव फाइनल है। यहाँ से तैयारी राज्यों की है कि राज्यों में खुशहाली के दिन आएंगे। 2024 में जिन्होंने सपने दिखाए थे, वो सपना को बेचने वाला वो सौदागर वो अब जाने वाला है, खंडहर में जाने वाले हैं। या झोला उठाएं, अपना झोला सिलाएं, तैयारी करें। सूट उट तो बहुत सिलाते रहते हैं, हम झोला भी सिलाएं भाई, एक ही लगे हाथ सिला लें। कांग्रेस पार्टी की जो लहर चली है, जनता ने जो दिखाया है कि आंधी नहीं है, बवंडर है, भाजपा को उस खंडहर में पहुँचा के रहेगी।